हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या होगा और आपका भाग्योदय कब होगा, किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, व्यापार क्या करेंगे और आज आपकी पदोन्नत होगी या स्थानांतरण, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं आप, तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। आपकी इनकम का जरिया बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धनागम का योग बन रहा है और रुका हुआ धन मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर आप कोई भी नया कार्य करने की आपने योजना बना रखी है तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। यदि नौकरी हेतु अगर आपने प्रयास किया है तो आज उसमें आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बन रहा है और देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का आपने एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम में भी आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। आपकी पुरानी रोग और शत्रु दोनों परास्त होंगे। यदि आपकी कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ी प्लान है या कोई बहुत बड़ा इमेजिनेशन है तो उसको रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर समय आ गया उसको उतारने का, कार्य करने का। और आज आपकी माली हालत, सामाजिक स्थिति और यात्रा हुआ, चाहे तीर्थ यात्रा हुआ, देशाटन हुआ, धार्मिक कार्य हो, सारे कार्यों में आज आपको भरपूर सफलता मिलते हुए दिख रहा है। इससे आज आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। घर में नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। आप इंटेलेक्चुअल सलाह से धन अर्जित करेंगे। आपकी सलाह बहुत ही कीमती होगी, उससे धन कमाने का योग बन रहा है। यदि आप राइटर हैं, लेखक हैं या पत्रकार हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको इन सब फील्ड से, क्षेत्र से काफी धन मिलते हुए दिख रहा है। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। भाग्य से सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आवेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। आज आपको भगवान शिव की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है, लाल वस्तु का आपको दान करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्ण।